भी कहा है कि जो जिम्मेवार पदों पे है उनको जो है वो धमकाने का काम छोड़ देना चाहिए। कर्मचारियों को, अधिकारियों को गालियां निकालना ये सभ्य समाज का काम नहीं है। और मैं महेंद्र सिंह जी से, मेरे मित्र हैं, विधानसभा में हम इकट्ठे रहे हैं, आज भी हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कृपया करके अपने गुस्से के ऊपर आप अंकुश लगा दें। और जब आप गुस्सा करते हैं तो आप गालियां निकाल जाते हैं, तो कृपया करके वो गालियां निकालें। दूसरा मेरा मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि आपके कार्यालय में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी में है, चाहे वो आपके दफ्तर में बैठे हैं, उनको सभ्यता जरूर आनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर मुख्यमंत्री के साथ सिक्योरिटी में लगा है तो वो लाते मारना शुरू कर दो। क्या हुआ कुल्लू के अंदर सबको मालूम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो SP ने थप्पड़ मारा तो उसका क्या कारण है, थप्पड़ मारने के कारण क्या है, क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, इसकी विस्तृत जो है वो जांच होनी चाहिए और उसकी जो है वो ठीक ढंग से इंक्वायरी होके लोगों को इस प्रकार का काम जो है, जब पुलिस वाले एक दूसरे को लात घूंसे मारना शुरू कर देंगे तो ये सरकार जो है वो चलने के काबिल नहीं है और कंटिन्यू करने के काबिल नहीं है। ये मैं Agnic School has made me a better person. It has helped me in building a positive attitude towards my studies and discover myself. And the teachers are very caring and are interested in students' well-being. The technology has made sure that the classes are interactive, educational and fun, which can be benefited for the student because the animations, the visuals, they make the concepts very clear, easy.